हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साढ़े दस बज रहे हैं और इस स्टाफ का कुछ अता पता नहीं। परी को देखा तुमने? नहीं सर। प्रमोशन के बाद पहला दिन है इस लड़की का, लेकिन अभी तक नहीं आई। रजिस्टर दिखाओ। करण, परी को देखा तुमने? अब नहीं सर। सर आप रुकिए, मैं उसे कॉल करता हूँ। कोई फायदा नहीं है फोन करने का, फोन बंद है उसका। तो ये परी कहाँ है? सर, सर मुझे नहीं पता। क्यों, अभी तक आई नहीं वो? अगर वो आई होती तो मैं तुमसे क्यों पूछता? तुम इतना लेट कैसे आ रही हो? तुम्हें मालूम है ना कि यहाँ स्टाफ कम है, उसके बावजूद तुम लोग अपने मन की कर रहे हो। ये नहीं चलेगा, आई वॉर्न यू, ये नहीं चलेगा। सॉरी सर। सॉरी सर। मैनेजर बन गया है ना, इसलिए अभी रुबाब दिखा रहा है। मुझे पैकेट वाला मटर चाहिए, फ्रोजन पीस। लेकिन आपका तो फ्रीजर लॉक है। मैडम, अगर फ्रीजर लॉक है इसका मतलब उसमें मटर नहीं है। नहीं है मतलब? नहीं है मतलब खत्म हो गया होगा। ऐसे कैसे खत्म हो सकती है? अभी मैं देख के आई, फ्रीजर के अंदर दिख रहा है। मैडम, वो फ्रीजर लॉक है, इसलिए आप प्लीज जाके कहीं और से ले लीजिए। क्या हुआ? आपके यहाँ पे ना जितने भी स्टाफ है सब बहुत ही बदतमीज है। इतनी देर से मैं बोल रही हूँ कि मुझे फ्रोजन पीस चाहिए और फ्रीजर आपका लॉक है, वो निकाल के नहीं दे रही है, उल्टा मेरे साथ झगड़ा कर रही है। मैडम, I'm sorry, मैं देखता हूँ। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, फ्रीजर बंद क्यों है? सर मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता क्या मतलब? ये मनमानी कर रहे हो तुम लोग क्या? मैडम I'm so sorry, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। आपको पीस अभी मैं निकाल कर देता हूँ। इट्स ओके। अब प्लीज मेरे साथ आइए। ये लीजिए। संभल के। यहां काम कर रही थी, क्या नाम क्या है इसका? सर इसका नाम परी था। अच्छा, ये कल काम पे आई थी यहाँ पे? हाँ सर, कल तो काम पे आई थी। लेकिन ये परी ने जो कपड़े पहन रखे हैं, ये आपके मॉल की कॉस्ट्यूम तो नहीं लगती? नहीं सर, वो हमारे यहाँ की यूनिफॉर्म नहीं है सर। एक काम करो, कल रात यहाँ पर जो भी वॉचमैन ड्यूटी पर थे उन सबको यहाँ ले आओ। जी सर। हाँ सारंग, फ्रीजर के अंदर क्या दिख रहा है? लाश तो बाहर है ना? हाँ, फ्रीजर के अंदर सबूत है बॉस। दरअसल क्या है, इस लड़की के शरीर से खून बहना बिल्कुल बंद हो गया था जब ये फ्रीजर में डाली गई। क्यों? इसका मतलब साफ है, इसका मारा कहीं और गया है और बाद में इसकी लाश को यहाँ डाल दिया गया है। खून जरा सा है, बिल्कुल जरा सा। तो, शरीर पे एक ही घाव है, सीधा गले पे। काफी तेज हथियार का इस्तेमाल किया है। अब ये लुमिनो टेस्ट करते हैं। सर, अभिजीत, लगता है लाश को
घसीटकर यहां से ऐसे लाया गया और वहां फ्रीजर बॉक्स में रखा गया। आगे देखते हैं। निशान तो मिल रहे हैं सर अभी भी। यहां पे परी का खून किया गया है। ये देखो अभिजीत, खून की बूंदे खूनी ने साफ नहीं किए। इसके हाथ के नाखून में देखो ये चमड़ी का टुकड़ा मिला है। इसका मतलब इसके हाथापाई हुई होगी और अपने नाखूनों से इसने किसी को खरोचा हो। वो चमड़ी है। कल रात परी को यहां से जाने से पहले तुम में से किसी ने देखा उसे? सर अब से आखिर में तो मैं ही जाता हूं यहां से। कल रात को 9 बजे परी चली गई थी यहां से। उसके बाद काम खत्म करके 10:30 बजे मैं भी चला गया था। फ्रेडी एक काम करो, यहां पर जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं सबके फुटेज चेक करो। हाँ? तुम दोनों सिक्योरिटी वाले, तुमने परी को रात को वापस आते हुए देखा मॉल में? हाँ? सर कल मैं 1 घंटा लेट आया था। लेट आए थे क्यों? सर कल मैं वो फिल्म देखने चला गया था। मुझे लगा कि फिल्म छोटी होगी लेकिन सर वो बड़ी थी तो लेट से खत्म हुई इसलिए। लेकिन सर मैं मॉल में आया तो कोई नहीं था, परी मैडम ही नहीं आई थी सर। सर मैंने पूरा मॉल चेक किया था। और तुम भी फिल्म देखने गए थे? मैं ठीक 10:30 बजे मॉल में ड्यूटी पर आ गया था। फिर? सर वो ड्यूटी पर आते ही थोड़ा नींद की झपकी आ गई थी तो 2-3 घंटे सो गया बस। शर्म नहीं आती? क्या हो रहा है सर, क्या चल रहा है यहाँ पे अनिल? सर एक्सक्यूज मी, आप कौन है? मैं इस मॉल का मालिक हूँ। ओह सर, मॉल के सीसीटीवी कैमरे कल रात बंद थे। सीसीटीवी कैमरा बंद, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है सर, ये देखिए। नौ बजे परी मॉल से बाहर गई, फिर 10:30 बजे अनिल गया। उसके बाद से सारे कैमरे बंद है। क्या चल रहा है मिस्टर शरद? आपके मॉल में गार्ड लेट आते हैं, एक तो ड्यूटी के वक्त सो जाता है, यहाँ पे जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं अपने आप बंद हो जाते हैं। चल क्या रहा मॉल में है? सर मैं खुद हैरान हूँ ये सब क्या हो रहा है। सर प्लीज जल्द से जल्द परी के खूनी को पकड़ लीजिए। मैं भी नहीं चाहता कि इस मॉल की बदनामी हो, इसकी इमेज खराब हो। हाँ मॉल की बदनामी। अभिजीत परी कल रात 9 बजे यहां से घर जाने के लिए निकली और वापस भी आ रही, क्यों? हाँ क्यों नहीं वापस? सर इस परी का फोन अभी भी बंद आ रहा है, इसका मोबाइल फोन तो यहां मिला नहीं। फ्रेडी काम करो, इस परी के सारे फोन डिटेल्स निकालो। जाओ सर, ये परी के कॉलेज से। सर सर ये वो नंबर थे जिनसे परी की कल रात बात हुई थी। ये दो नंबर किसके नंबर थे? रितु और तरुण नाम है इनका। रितु और तरुण? आइए आइए आइए। आज सुबह जब हमने परी के बारे में तुमसे पूछा था तो बड़ी आसानी से सच छुपा दिया तुम लोगों ने। सर
कौन सा सच छुपाया हमने? यही कि तुमने परी के साथ फोन पर बातें की, आया नहीं? हमारे पास परी के कॉल की डिटेल्स हैं। सर, हम दोनों डर गए थे सर। मैंने भी कल परी को कॉल किया था। सर, सर हमें नहीं पता था कि परी का खून हो जाएगा। वैसे आप लोगों ने फोन क्यों किया था परी को? उसने अपने घर में पार्टी रखी थी। और तुम लोग पार्टी में गए? जी सर, हम दोनों गए थे उसके घर में। Cheers! Cheers for परी! Oh, yeah. Thank you, Tarun. Thank you, Ritu. Congratulations. मैडम, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। अरे भाई, प्रमोशन हुआ है, ये कोल्ड ड्रिंक पिला के ना तू बच नहीं सकती। हाँ भाई, तो परी बड़ी मैनेजर बन गई है, सो एक पार्टी तो बनती है। ए, बड़ी मैनेजर नहीं, जूनियर मैनेजर बनी हूँ। हाँ बट यू राइट, पार्टी तो बनती है, डेफिनेटली तुम दोनों को पार्टी दूंगी। तुमने घर तो बहुत अच्छा सजाया। हाँ थैंक्स यार। एक्चुअली गाइस, मुझे ना कहीं जाना है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके परी, कहाँ जाना है मतलब? परी, सब ठीक तो है ना? यार गाइस काम डाउन। ओके, मैं यू गई और यू आई, तुम लोग मेरा वेट करो, मैं अभी आती हूँ। बट परी, आ रही हूँ बाबा, एक मिनट। हम लोगों ने उसका काफी देर इंतजार किया, लगभग एक घंटा वेट करने के बाद फिर हम लोग वहां से चले गए थे। कौन हो सकता है? इस परी के घर जाकर देखना पड़ेगा, कुछ न कुछ जरूर पता चल जाएगा। सर, एक मॉल में नौकरी करने वाले के घर में इतनी महंगी चीज है? ये परफ्यूम्स देखो, इतने एक्सपेंसिव है। ये महंगे चीजें खरीदने के लिए परी के पास पैसे आते कहां से होंगे? मस्त सपोर्ट भी हो सकता है। ये देखो, ये ग्रीटिंग कार्ड्स, ये लव लेटर्स, सब यहां पर पड़ा था। ये परी के चाहने वाले कई सारे हैं, एक तो नहीं। अब समझ में आया कि ये महंगी चीजें परी के पास कहां से आती हैं। लगता है जितने भी लोग ये लेटर्स लिख रहे हैं परी को, इन सबके साथ उसका चक्कर चल रहा था। तो काम करो, देखो और कुछ मिलता है क्या इसमें। मैं जब सफाई करने के लिए आई थी तो पूरा कमरा ऐसे ही बिखरा हुआ था, सारा सामान इधर उधर, और साहब भी नहीं दिख रहे थे। मुझे लगा कि कहीं कमरे की हालत देखकर तो यही लगता है कि यहाँ पे चोरी हुई है। सेफ भी खाली सर। तो मैंने खून देखा साहब। कबर्ड में क्या है? Oh no! Oh! अब परमेश्वर साहब, क्या हो गया साहब को? ये है कौन? ये मालिक है इस घर के। बस सर भैया, क्या पानी लिया? जल्दी। हाँ, ला दूँ। सांस धीमी चल रही है। ये लीजिए, पानी लीजिए। पानी पिलाओ इन्हें, पानी पिलाओ। पानी पीजिए, पानी पीजिए। परमेश्वर जी, हम लोग CID से हैं। आपकी हालत किसने की? मेरी किराएदार परी ने की। हाँ? परी? आपको पूरा यकीन है कि आपकी हालत परी ने की? मुझे पूरा यकीन है, वो परी ही थी। वैसे ही कपड़े, वैसे ही बाल,
कल रात जब मैं सोया था तब कुछ याद नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि परी मेरे घर में चोरी करेगी। परी ने अपने मकान वाले के घर पे चोरी क्यों की? फिर परी को किसने मारा? सर, ये परी का खून रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में हुआ है। सारों के सामने बताया। एक ही लड़की एक ही समय दो अलग अलग जगहों पर कैसे हो सकती है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी गलत नहीं हो सकती। हाँ, ये बात तो है। इसका मतलब है उस मॉल का ही कोई एम्प्लॉई है जो इस साजिश में शामिल है। उसी ने सीसीटीवी कैमरा बंद किए होंगे। काम करते हैं, देखते हैं उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पूर्वी, सब काम बाजू में रखो और पहले चेक करो, देखो उस मॉल के एम्प्लॉयज का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या। क्रिमिनल है पर ये तो फिर परी के फोन में शामिल हो सकता है। एक बार पहले भी झूठ बोला था उसने हमसे। हाँ, और अब ये उसका दूसरा झूठ सामने आ गया। ये तरुण कहाँ है? बुलाओ उसे। तरुण तो नीचे है सर। चलो दिखा। जी सर, आइए सर। सर इस तरफ, यहां सर नीचे आइए सर। तरुण, तरुण, सीआईडी वाले तुमसे मिलने आए। नहीं, रुक। भाग रहे हैं? सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तो क्या, मैराथन दौड़ की प्रैक्टिस कर रहा था? ये क्या? ये तो नाखून के निशान है। कैसे आइए सर? ये सर, ये परी ने किया। परी ने? मतलब परी के नाखूनों में जो चमड़ी के टुकड़े थे इसी के हैं। क्यों किया परी ने ऐसा? क्यों किया? क्या हुआ सर? आप लोगों ने तरुण को क्यों पकड़ रखा है? क्या किया इसने? क्या किया इसने? ये तरुण तुम्हारे मॉल में नौकरी करता है ना, तुम्हें पता भी है ये एक मुजरिम है। सर मुझे पता है, और उसने मुझे पहले दिन ही बता दिया था। मैंने इसे एक नया मौका दिया है और पिछले एक साल से कोई कंप्लेन भी नहीं आई, पर आप लोगों ने इसे पकड़ क्यों रखा है? झूठ बोला इसने। परी के खून में शामिल है ये। क्या बोला था परी ने तुम्हें? हैं? क्या हुआ था? सर, परी और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, बट कुछ महीने पहले हम लोग अलग हो गए। उस दिन जब मैं परी के घर गया तब मैं यूं गई और यूं आई। तुम लोग मेरा वेट करो, मैं अभी आती। बट परी आ रही हूं बाबा, एक मिनट। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, अब हम सिर्फ दोस्त, तो ये हक ना तुम खो चुके हो,
तो बेटर यही रहेगा कि हम उतना ही मतलब रखें जितना दोस्ती के लिए जरूरी है, समझे? अच्छा, यस। उस दो गोरी के गार्ड किशोर के लिए तुम मुझे बोल रही हो? तुमने मेरा फोन चेक किया तरुण? हाउ डेयर यू, तुम मेरी लाइफ में दखल देना बंद करो, समझे? बहुत बोलने लग गई हो तुम, हाँ क्या कर लोगे तुम, हाँ क्या कर लोगी तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। किशोर वो गार्ड, उसका मैसेज था? हाँ सर, लेकिन सर गार्ड तो सो रहा था। सर वो ड्यूटी पर आते ही थोड़ा नींद की झपकी आ गई थी तो 2-3 घंटे सो गया। पर इस किशोर की नींद हराम कर देते हैं, उठाओ इस किशोर को। इसी मोहल्ले में है कहीं किशोर का घर। अरे भाई साहब। हाँ साहब। वो किशोर गार्ड की नौकरी करता है? हाँ। कहाँ रहता है? साहब वो दूसरे वाला घर है, आइए दिखाता हूँ। साहब ताला बंद है। ताला लगा हुआ? ये तो होना ही था, सीआईडी जो पीछे लगी है। इसे कहीं बाहर जाते हुए देखा तुमने? साहब आधा घंटा पहले बड़ी जल्दी में था, देखा था जाते हुए। हाँ, कहाँ जा रहा था कुछ मालूम है? ये तो नहीं बता सकता। चलो फिर घर की तलाशी ही ले लेते। गंगन लगता बहुत ज्यादा जल्दी में था, जो मिला बैग में भर के निकल गया। पुराना कंगन है, एंटिक। एक सेकंड, तो ये वही कंगन तो नहीं जिसके बारे में परमेश्वर जी ने बताया था ना? सर परी ने मेरे घर से पैसे और जेवरात चुराए थे जिसमें एक पुस्तैनी कंगन था। इसका मतलब है किशोर भी परी के साथ चोरी में शामिल था। लेकिन सानू के सामने बताया था कि परी की मौत रात 1-1.5 बजे के बीच हुई है और परमेश्वर जी ने परी को उनके घर पे 1.5 बजे के बाद देखा, 1:30-1.75 बजे के बीच। ये कैसे हो सकता है? अब एक इंसान दो अलग अलग जगहों पे, वो भी लगभग एक ही समय पर तो नहीं हो सकता, वो भी मरने के बाद तो बिल्कुल नहीं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इस परी परमेश्वर के घर पे कैसे पहुंची ये तो पता नहीं, लेकिन इस किशोर का परी के खून से लेना देना जरूर है। लगता तो यही है किशोर के घर से पैसे, कंगन और इस हथियार के मिलना, इससे तो यही लगता है कि शायद किशोर ने ही परी को मारा है। परी ने ये चीजें अपने मकान मालिक से चुराई और इसके चक्कर में किशोर ने इसका खून कर दिया और खून करने के बाद किशोर ने चौपर साफ अप करके यहाँ पर छिपा दिया। परी घर में जितने भी उंगलियों के निशान है सारे उठा लो, मॉल भी चलते हैं, वहाँ भी फिंगरप्रिंट्स उठा लेते हैं, देखते हैं एक आदमी एक समय पर 2 जगह कैसे पहुँच सकते हैं। सर और कितना इंतजार करना पड़ेगा? थोड़ी देर और इंतजार कर लो, सब पता चल जाएगा। हमें आप सबके फिंगरप्रिंट चेक करने हैं। क्या फिंगरप्रिंट्स? सही सुना आपने, फिंगरप्रिंट्स। उसी से पता चलेगा कि खूनी कौन है।
याद रखिए मैम, वो आज ही सुबह में मेरे हाथ में चोट लग गई है। अरे कैसे, क्या हुआ आपके हाथ को, दिखाओ। सर तो बहुत चोट लगी है सर। अरे तो फिर इनके फिंगरप्रिंट्स लेंगे कैसे? कोई बात नहीं, एक्चुअली चोट लगी होती है ना तो भी फिंगरप्रिंट्स के टेस्ट ले सकते हैं। आओ आ जाओ, डरो मत, बिल्कुल नहीं दुखेगा। थैंक यू, आराम से हाँ, डरो मत। मैम देखिए मैं कह रही हूँ ना, मैं कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं होगा हाँ, बस दो मिनट की बात। अरे कहाँ है चो, दिखाओ, इस हाथ में तो कुछ भी नहीं है। दरअसल वो भूल गई थी, मुझे तो इसमें लगी है। इस हाथ पे लगी है? ओके ओके नो प्रॉब्लम। दिखाओ हाथ, झूठ बोल रही थी। चलो अपना हाथ आगे बढ़ाओ, कम ऑन। इस एंटिक कंगन को तो पहचानती होगी ना? इस पर तुम्हारे उंगलियों के निशान मिले हैं। अब बताओ उस रात क्या हुआ था, क्यों मारा तुमने परी को, और हाँ सच बताना। हाँ उस रात परी के लैंडलॉर्ड के घर पे मैंने ही चोरी की, और ये कंगन भी मुझे वही मिला। अरे तुम यार क्या कर रहे हो? मुझे पता था कि परी का लैंडलॉर्ड बहुत अमीर है, और इस परी से तो मुझे बहुत नफरत थी, सब उसी को ही पसंद करते थे, और इनफैक्ट प्रमोशन भी उसे पहले मिला। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं उसके लैंडलॉर्ड के घर पे चोरी करूंगी और सारा इल्जाम उस परी पर आ जाएगा। और वैसे भी मुझे पैसों की जरूरत थी। कंगन और पैसे किशोर के घर कैसे पहुंचे? किशोर भी शामिल था? सर किशोर मेरे दूर के रिश्तेदार है, इसलिए उनके घर में मैंने ही ये सब रख दिया था। सोचा था यहाँ सब ठीक हो जाएगा तो वहाँ से मैं ले लूंगी, लेकिन ये किशोर अपने घर पर नहीं था। ये पता है तुम्हें कहाँ जा सकता है वो? शायद वो अपने गांव गया होगा। गांव तो वो तब जाएगा जब गांव जाने वाली बस स्टैंड से बाहर निकलेगी। जाइए, इसने भागते हुए कुछ उठाया था, इसकी जेब में होगा, देखो। नहीं नहीं तो फिर कहाँ? एक मिनट,
पेन ड्राइव छुपा के रखा था। पेन ड्राइव में ऐसा है क्या जिसकी वजह से इसने अपनी जान दे दी? चेक करते हैं। सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या वो खूनी मिल गया? कुछ पता चला उसका? जी हाँ, खूनी कौन है इसका हमें पता चल गया है, और इसीलिए तुम सबको यहां बुलाया है। सर आप ये कहना चाहते हैं कि खूनी हम में से ही कोई एक है? हाँ, आप सबके पास परी को मारने का कोई ना कोई कारण था। क्यों दोनों ठीक है रौना? मैं कुछ समझा नहीं सर। अनिल तुम भी तो मार सकते हो परी को, शायद तुम नहीं मारा हो, कारण तो तुम्हें पता है, प्यार करते थे तुम परी से। सर ये सच है कि मैं परी से प्यार करता था, मगर मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन जब तुमने परी को प्रपोज किया तो उसने ना कहा, और ये ना तुम सह नहीं पाए, मौका मिला और मार दिया। और तुम दोनों ऋतु और तरुण, तुम्हारे पास तो खास वजह थी परी को मारने की। सर मैं मानती हूँ कि मैं परी से जलती थी, उसकी खुशी मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे नहीं मारा है। और तुम तरुण? सर उसने मुझे धोखा दिया था, मैं उसे सजा देना चाहता था, लेकिन मौत की सजा नहीं। सर सर जब आप लोगों को मालूम ही है कि परी का खून किसने किया है, तो फिर आप लोग ही बता दीजिए। कौन है ये? ये किशोर है, आपके मॉल का सिक्योरिटी गार्ड। किशोर? क्या हुआ इसे? ये सब कैसे हुआ? ये हमसे बच के भाग रहा था, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अभी ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये परी के खूनी को जानता है, और यहाँ सबके सामने उसका नाम बताएगा। चलो अभी पूछ लेते हैं किशोर से। बताओ किशोर, किसने खून किया परी का? किसने? घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ बताओ किसने किया खून? शरद, क्या बकवास है यार, कुछ भी कर रहा है ये। हाँ ये बकवास कर रहा है, तस्वीरें बकवास नहीं करती। कौन सी तस्वीरें? वहां सामने देखे पूर्वी, इसके साथ भी परी का चक्कर चल रहा था। बड़े भोले भाले लगते हो यार, हाँ? खून करके तमाशा देख रहे थे। अब बताओ क्या हुआ था उस रात को? हाँ मैंने ही परी को मारा। लाया? हाँ लाया, लेकिन पहले मुझे वो पेन ड्राइव दो। पहले पैसे। किशोर इसे पैसे दे दो। लेकिन इसे जाने मत देना, पहले मैं इसे चेक करके आता हूं। एक्सक्यूज मी मैडम, कहाँ जा रही हैं? साहब ने जाने को मना किया है आपको। मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना, समझे? तुम्हें तुम्हारी चीज मिल गई, मुझे मेरी चीज मिल गई, हटो यहाँ। देखिए मैडम, आप नहीं जा सकती जब तक साहब नहीं आएंगे। ओके पास, मुझे मालूम था तू अपना रंग जरूर दिखाएगी। धोखा दिया तुमने मुझे, उस पेन ड्राइव में कुछ भी नहीं है,
बेवकूफ समझ सकता तुमने मुझे? किशोर तुम जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। छोड़ो मुझे। थक चुका मैं तेरे ब्लैकमेलिंग से। हाँ, तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया। बेवकूफ था मैं जो तुमसे प्यार करता था। मैं सौदा बना के रखा है तुमने मेरे प्यार को। के बाद असली पेन ड्राइव अपने पास रखा था। किशोर, और सर इस बेवकूफ किशोर ने परी की लाश को मॉल में ही छुपा दिया। पेन ड्राइव मैंने किशोर को दे दिया था और कहा था कि उसे उसे तोड़कर कहीं दूर फेंक दे। लेकिन इसने, इस किशोर ने पेन ड्राइव तो तोड़ा है। क्यों? लालची, ये भी मुझे ब्लैकमेल करना चाहता होगा। चलो इसकी शक्ल देखते हैं। पंकज, तो किशोर नहीं है। आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला। जी हाँ फ्रेडी है ये। हमने थोड़ा सा झूठ बोला, तुमने पूरा सच बोल दिया। परी तुम्हें ब्लैकमेल करती थी, ये बात तुम्हें हमें बतानी चाहिए थी। हम परी को सजा देते, पर नहीं, तुमने कानून को अपने हाथ में लिया, परी का खून कर दिया। बहुत गलत किया तुमने। अब कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।